तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हमने थीम को इंस्टॉल किया था, फेरी थीम को, उसका यूज़ करके हम जो है ये ब्लॉग बनाए थे। ये हमारा जो है होम पेज है ब्लॉग का, और इस पर हम अभी क्या करेंगे, लीगल पेजेस बनाएंगे हमारे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, उसके बाद हम बनाएंगे अपने डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी। अब कैसे इसको जो है डिज़ाइन कर सकते हो उसको हम इसमें बताते हैं उसको, क्योंकि ये जो पेजेस है लीगल पेजेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इन पेजों के आप जो है अपना ब्लॉग जो है अप्रूवल नहीं ले सकते गूगल एडसेंस से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने लीगल पेजेस को जो है यहाँ से डिज़ाइन करना है, यहाँ से हमको बनाना है। मैं आपको एक दो पेज बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद आप जो है आगे के पेजेस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो पेजेस बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास आता है पेजेस का, तो यहाँ पर हम जाते हैं पेजेस में, और पेजेस में जाने के बाद यहाँ पर हमें देखिए ऑलरेडी हमारे पास दो पेजेस है, एक सैम्पल पेज है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर जो है एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज है। तो यहाँ पर से हम सैम्पल पेज को जो है अभी रखते हैं, ऐड द न्यू पेज करते हैं, और इस पेज का नाम दे देते हैं हम टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स एंड कंडीशन पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेज हमें लीगली प्रोटेक्ट करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम अगर हमारे ब्लॉग से रिलेटेड होता है, धोखाधड़ी का कुछ भी, तो हमें ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन पेज हमें बताता है कि हमारे जो है ब्लॉग का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, हमारी कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके जो है पेज पर ये होना चाहिए। तो जैसे ही हम इस पर टर्म्स और कंडीशन यहाँ पर डालते हैं, तो यहाँ पर हमें टर्म्स और कंडीशन से रिलेटेड जो है कंटेंट हमें लिखने होते हैं। उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर चैट जीपीटी में लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे राइट अ अबाउट अस पेज, आपने यहाँ पर लिख दीजिए मैंने लिखा है राइट अ टर्म्स एंड कंडीशन पेज कंटेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। मेरा जो ब्लॉग है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। आपका ब्लॉग जिससे भी रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, योग से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है, जो भी रिलेटेड है, तो आपको उससे रिलेटेड जो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे राइट अ टर्म्स एंड कंडीशन पेज कंटेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग नेम, आपका जो है ब्लॉग का नाम यहाँ पर डाल देंगे तो ऑटोमेटिक नाम के साथ जो है आपको कंटेंट लिख करके दे देगा। तो आपका ब्लॉग जिससे भी रिलेटेड है आपको यहाँ पर वो लिखना है सब्जेक्ट ब्लॉग का। तो इसके बाद आपको टाइप कर देना है इसे। तो इसके बाद जो है आपका टर्म्स और कंडीशन का जो है कंटेंट जो है लिख करके जो है चैट जीपीटी आपको दे देगा। यहीं से आपको उसको कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। आप एक बार पढ़ भी ले सकते हैं कि इन्होंने जो लिखा है वो सही है नहीं, तो आप जो है इसको अपने हिसाब से जो है हटा भी सकते हैं और भी कई पॉइंट जोड़ भी सकते हैं। तो देखिए ये हमारे लिए टर्म्स और कंडीशन लिख करके दे दिया है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया है। अभी कॉपी करके हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा टर्म्स एंड कंडीशन पेज ऑटोमेटिकली हमारे नाम के साथ, वेबसाइट नेम के साथ ऑटोमेटिकली बन करके देखिए रेडी है। आप इसको रीड करके अपने हिसाब से जो है ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन पेज हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है पब्लिश कर देंगे, या फिर सेव ड्राफ्ट या प्रीव्यू भी हम देख सकते हैं। तो हमारा जो है यूआरएल इस तरह से बन गया, हमारा ऑटो ड्राफ्ट में है अभी यूआरएल। और यहाँ पर हम फीचर इमेज भी डाल सकते हैं अपने जो है इस पेज में, यहाँ पर ऊपर दिखेगा फीचर इमेज, जो कि पेज में हम फीचर इमेज यूज़ नहीं करते तो हमारे लिए ये नहीं चाहिए। बाकी जो सेटिंग्स है वो नहीं हमें करने हैं कुछ भी, अब हमें पब्लिश कर देना है, और एक पब्लिश का ऑप्शन आता है, हम पब्लिश कर देते हैं, और हमारा पेज अभी कैसा दिख रहा है हम देख सकते हैं। हमारे लिए देखिए टर्म्स एंड कंडीशन का पेज हमारा बन करके रेडी है। ठीक, तो इस तरह से हम जो है प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन पेज जो है हमारा देखिए यहाँ पर ऐड भी हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर से हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी और एक पेज बना लेते हैं हमारे लिए। तो हम इसको बोलते हैं कि हमारे लिए और एक पेज बनाइए प्राइवेसी पॉलिसी का। राइट टर्म्स एंड कंडीशन पेज की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। तो हमारे लिए प्राइवेसी पॉलिसी भी लिखना शुरू कर दिया है गूगल ने, चैट जीपीटी ने। तो इसको भी हम सेम एज इट इज़ कॉपी करेंगे, और यहाँ तब तक हम यहाँ पर एक पेज बना लेते हैं, और इसमें जाते हैं सैम्पल जो पेज है इसको हम बिन कर देते हैं। बिन मतलब डिलीट कर देना, डिलीट हमने कर दिया इसको, और यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया, और ऐड न्यू पेज करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी।
तो हमारा ये प्राइवेसी पॉलिसी के लिए हम जो यहाँ पर कंटेंट हमने लिख करके हमें आ गया यहाँ पर, तो उसको हम यहाँ से जस्ट कॉपी करेंगे और इसको क्या कर देंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो है ये ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर जो है लेटेस्ट जो है डेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्राइवेसी पॉलिसी भी रेडी है, इसको भी आप रीड कर सकते हो। रीड करने के बाद जो है अपने हिसाब से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद पब्लिश कर देंगे और पब्लिश कर देंगे और व्यू जो पेज करते हैं इसको भी। तो हमारा देखिए इस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी हमारा दिखेगा। तो हमारे पास लीगल कंटेंट में, लीगल पेजेस में प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन पेज होना चाहिए, डिस्क्लेमर होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से पेजेस होने चाहिए, हमारे पास पेजेस होने चाहिए लीगल पेजेस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये है अबाउट पेज होने चाहिए, कॉन्टैक्ट अस पेज होने चाहिए, डिस्क्लेमर होना चाहिए, DCMA होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। ये पेजेस हमारे वेबसाइट पर, हमारे ब्लॉग पर होना चाहिए हमें गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने से पहले। तो इन पेजेस को कैसे बनाना है, पेज को कैसे लिखना है, इसमें जा कर के सिंपल सा आप यहाँ पर टाइप कर दोगे कि अबाउट कंटेंट लिख दो हमारे लिए, तो ये ऑलरेडी हमारे लिख करके रेडी कर देगा तुरंत। तो आप अगर यहाँ पर लिख दोगे कि अबाउट कंटेंट, तो हमारे लिए ये रेडी करके लिख देगा तुरंत हमारे लिए अबाउट अस पेज का भी कंटेंट। तो इसको जस्ट कॉपी करना है, न्यू पेज लेना है और हमें क्या कर देना है, हमें सेम अबाउट अस का पेज हमें यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। अबाउट, और यहाँ पर हम जो है जो भी हमने चैट GPT से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर से हम जो है इसको हम इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो अबाउट अस पेज भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से अबाउट अस पेज भी हमारा रेडी हो गया। तो जो भी पेजेस हमारे लीगल पेजेस हैं, ये लीगल पेजेस हैं, इन लीगल पेजेस को हमें एक एक करके बनाना है। बनाना कैसे है, DCMA सेम आपको टाइप करना है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, सब आपको लिख करके ऐसे आपको पेजेस को बनाना है। जैसे आपका पेज बन करके रेडी हो जाएगा, तो हमें एक और पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है। तो कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है, देखिए ऑटोमेटिक हमें एक यहाँ पर WP फॉर्म हमें मिलता है यहाँ पर, तो हमें इसमें जाना है पहले। इसमें जाने के बाद हमें यहाँ पर से क्या करना है, ऐड अ न्यू फॉर्म में क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक हमें एक प्लगइन मिलता है जब हम ऑटोमेटिकली जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं होस्टिंगर से। तो लेट्स गो में क्लिक करते हैं, डन में क्लिक करते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारे पास सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक हमारे पास टेम्पलेट है। तो यूज़ दिस टेम्पलेट करके एक ऑप्शन आता है, यूज़ दिस टेम्पलेट में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बन करके आ जाएगा इस तरह से। तो इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को हमें क्या करना है, यूज़ करना है हमारे कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। तो इसको हम जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है एडमिन का जो ईमेल है उस पर जो है ये वाला फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली, जो कोई भी हमसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहेगा कॉन्टैक्ट पेज में जा कर के, तो ये वाला जो ईमेल आईडी है इसी ईमेल आईडी पर जो है हमारा जो है मेल चला जाएगा। और यहाँ पर से आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो कि न्यू एंट्री सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो यहाँ पर भी आप अपना सब्जेक्ट भी दे सकते हो, उसी सब्जेक्ट से आपके पास मेल आएगा। तो फॉर्म जो है आपका वेबसाइट के यहाँ पर वो दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर ये वाला सेटअप कर लिया, और हमें कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप जो है इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद जो है हमारा देखिए सैम्पल कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा रेडी हो चुका है, और यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कोड मिलता है। तो इस शॉर्ट कोड को हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद हमें जाना है फिर पेजेस में और ऐड न्यू पेजेस में क्लिक करना है। तो ऐड न्यू पेजेस में क्लिक करना और यहाँ पर लिख दीजिए कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर जो है हमारा शॉर्ट कोड करके सर्च करिए, और यहाँ पर हमें शॉर्ट कोड में क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है उसको जो हमने कॉपी किया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पब्लिश, और पब्लिश में क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारा पेज सेव हो गया। अब हम देख सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट जो पेज है हमारा रेडी हो गया, कॉन्टैक्ट पेज भी, ठीक है। अगर कोई कॉन्टैक्ट भी करना चाहे हमसे तो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो अपना नाम, अपना लास्ट नेम, ईमेल और कमेंट और सबमिट कर देगा, तो हमारे एडमिन के ईमेल आईडी पर ऑटोमेटिकली जो है मेल्स आ जाएंगे हमारे यूज़र का। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि कैसे हम जो है लीगल पेजेस को डिज़ाइन करेंगे, लीगल पेजेस के कंटेंट को लिखेंगे।